जय रघुनाथ जी के साथ पार्षद जी ने टिकट दिया, ड्राइवर तो चनकट, माइक के छतरी नौकरा ने निकली लंपट, सवारी का चक्कर में अधिकारी भूली का संपट, न समाचार लेके आया हूँ आप सबका वास्ते, समाचार का आनंद आ रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट चलती रहनी चाहिए, राम जी गुलाम लिखना का आलस, जम कर लिखो जय रघुनाथ, चलो मनाए गणपति रिद्धि सिद्धि का साथ। काल तक गेट से लेके ना इमली तिराया तक 400 से ज्यादा मकान उन टूटी फूटी गया, रापट रोड़े हुए पड़े हो, इका बाद में नगर निगम वाला मारा भाई उन जक नहीं खाई रहा, मकान उन टूटी गया, इका बाद यहाँ जय कैंड कोई को मकान 2 फीट अग्गे बताई रहा, कभी खंबो 2 फीट पीछे सर कही रहा, ऊंधी चीती नपती की वजह से यहाँ एकदम झगड़ा टंटाउन हो रहा। रविवार दोपहर में एक पोकलन मशीन लाल भाई भूल भाई ने इमली तिराक बीच में दुकान तोड़ने पहुंची गई, यहाँ आई गया वार्ड नंबर 2 का पार्षद हेमंत गहलोत जी, हाइपर तो ये सही, यूं भी वार्ड वाला उनने इनको नाम भुरू भड़कीलो रखी रखे, भाई साहब आया आप देखे तब मशीन पर चढ़े ड्राइवर के टिकाई दी, ये का बात तो यहाँ हंगामा मची गयो, नगर निगम वाला उनने काम बंद कर दिया, जीवाजीवन थाप जवाब तैयारी होगी, फोन ही फोन पे बात ऊपर वाला तक पहुंची, बड़ा इंजीनियर साहब केसी यादव जी भी आया, इनने कहे आपस में बातचीत करें मामला ठंडो करायो। अरे हम तो बोल रहे हैं ना, आप तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं घर हमारे मैडम, मैं भी बनाती हूँ, आप उन्हें बात करो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे बड़े करेंगे, अब हम उनसे बात करेंगे, पैसा नहीं, वही नहीं कि कभी ये निशान 1-2 फीट आगे जा रहे हैं, कभी 1-2 फीट पीछे जा रहे हैं, 20 सेंटर से 25 फीट ले लो, 25 फीट ले लो, सेंटर लाइन से 25 फीट दो ही तरफ ले लो, अपन विकास में चाहते हैं विकास हो, विकास में मना नहीं, अपन विकास में पूरा सरकार का सहयोग देने को तैयार है अपन। ये हमारा इमली तिराए पे रोड छोड़ीकरण चल रहा है, केडी गेट वाला रोड का, तो उस पर काम चल रहा था, तो पार्षद जी को जानकारी नहीं थी, वार्ड 2 के पार्षद जी गहलोत जी को, तो उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने आगे ड्राइवर को रोकना चाहा, तो उन्होंने आते से ड्राइवर का मुंह पे हाथ रखा और जिसकी वजह से ड्राइवर को काम रोकना पड़ा, और इसकी वजह से ये काफ़ी वाद विवाद भी रहा कि आपने ड्राइवर को क्यों रोकना चाहा हमसे बात करते, तो इस प्रकार की स्थिति वो काम रोकवाया उन्होंने पार्षद जी ने, वो समझना चाह रहे थे कि क्या क्या तोड़ रहे हैं। एकदम नवी घटना, माधव नगर वाली पुलिस ने सेठी नगर में काम करवा वाली एक नौकरानी गिरफ्तार करियो, गिरफ्तार कर करियो घर की मालकिन ने जी के पकड़ी के पुलिस में जमा कराई दियो, यह घटना भी अपने आप में अनोखी हो, सेठी नगर में रहने वाली किरण आहूजा जी का घर से गया धन 3 सोना की अंगूठी चोरी हुई की थी, इनके शंका तो थी सही पर नौकरानी के सीधा कैसे कही कही दो, इनने निकले जुगाड़, घर में एक जगह पर 80 रुपया खुल्ला में रखी दिया, नोट उनका नंबर भी नोट करके रख लिया, ने इक्का बाद नोट उन पर निगरानी करती रही, किशनपुरा की नौकरानी जब घर पे काम करवाना आई तो विनय झट नोट उठाई कर अपना कन छुपाई लिया, किरण आहूजा जी निगे तो रखी रही थी, विनय झट नौकरानी को हाथ पकड़ी लियो, विका कन से चोरी का 80 रुपये मिल गया, बार बार को गिदियो चोर एकदम हाथ आई जाए, अबे बारी थी असली पूछताछ की, 80 रुपया के चक्कर में भाई थाना पहुंचेगी, अपने पुलिस वाली बहन उन कड़ी तरीका से इलाज करे, तुमने जेल वाली बुआजी के मामला में देखी ज रखियो, बस इको वो चीज इलाज चल लू, पट पट 3 अंगूठी चोरी हुआ कहानी सामने आएगी। ऐसी सूचना मिली थी, एक फरियादी आई थी हमारे थाने पर, जिसने बताया कि उनके जो नौकरानी काम करती है उसने काम करते करते उनके घर से कुछ सोने के अंगूठी वगैरह चुराना बताया था, जिसका पूछताछ की गई, इसने स्वीकार किया कि हमने घर से अंगूठी चुराई है, जिसके पे FIR पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। यहाँ देवास रोड पर नागझिरी कड़ा एक कारखाना ओमकार केमिकल कजा काय को पाउडर वाउडर बनाए, गाय गण या नागझिरी इलाका का नरा सरा लोग उन भेला व्यान पार्षद जी कड़े पहुंची गया, पार्षद जी सुगंध भाई कई बोले नहीं, वे इनका घर से बाबूलाल जी वागेला ने उठाए फोन, प्रदूषण विभाग कलेक्टर नगर निगम सगली दूर खड़ कही दियो, इलाका का लोग उनको कहना पड़ी रहो कि ओंकार कारखाना से निकले केमिकल की वजह से बू भी नरी आई रही न पानी खराब होते जा रही हो, कारखाना वाला बताई रहा कभी कहीं थोड़ी घनी दिक्कत रही होगा तो इसे ठीक कराएंगा। ये क्या केमिकल्स, ओंकार केमिकल्स के नाम से फैक्ट्री है,
इसमें कोई पाउडर बनता है, तो पाउडर की सफाई के लिए तो वो क्लीन करने के लिए बहुत सारी केमिकल्स का उपयोग होता है, तो उस केमिकल्स को जो है ये बिना क्लीन करे ही नाले में छोड़ देते हैं। इस कारण इस क्षेत्र में पानी के कुएं उनमें पानी खराब हो गया है, बोरों में पानी खराब हो गया है और भयंकर बदबू भी है, जिससे इस क्षेत्र में सभी रहवासी बड़ी बुरी तरह से परेशान हैं। कुछ पार्षद जी साथ में आए थे, पूर्व पार्षद जी थे, उनके साथ में कुछ पत्रकार भी आए थे, तो उनको बताया कि सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत तो आपका चेक करिए, उन्होंने पास चेक कराया पूरा उनको और नाला भी इनको दिखवाया, तो दिक्कत नहीं है। पता नहीं किस पर्पस के थ्रू उन्होंने ऐसा छापे उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। लो साहब जो कदी नहीं हुआ आज हुई गयो, आखा भारत में मारा लगा अकड़ा उज्जैन रियो जो रविवार का दिन स्कूल उन खुलिया सवारी की वजह से, यहाँ कलेक्टर ने सोमवार का शेर का सारा स्कूल उनकी छुट्टी रखी, रविवार स्कूल लगवा का आदेश जारी कर दियो। अच्छा इको आदेश जारी कराया शनिवार की सांझ के, नरा स्कूल वाला हूँ तो तैयार ही था, नरा बच्चा उनका घर तक भी आदेश नहीं पहुंची पायो, कुल जमा यो हो कि रविवार का स्कूल तो लग गया पर जैसा लगना चाहिए था वैसा नहीं लग गया। अबे कलेक्टर साहब को नवा का आदेश सुनी लो, ई भाई साहब कह रहा सोमवार जनेब क्षेत्र से सवारी निकलेगा वहां कड़ी तरह घटना नहीं हुई जाए आणि वास्ते लाइट बंद कराएगा, यो आदेश भी अपने आप में अनूठो हो, गलाम फोड़ो हो तो भी कोई इलाज करा गलोन घोटे जाए, अपन ने तो जत से होश संभाल लिया, जत से मांकाल रजक सावन वाली सवारी हो तो सही सवारी सड़का उनके सस्ती देखी, विंड पर सीरीज वीरीज लिग्गा लिग्गी ये सब लगते हुए देखा, भगवान दरवाजा पाए नहीं लाइट बंद कराए, एक अनोखा आदेश। एक निर्णय ये जरूर लिया गया है कि चूंकि सवारी मार्ग पे बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, लाखों की संख्या में लोग रहते हैं, यद्यपि विद्युत सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है लेकिन जिस तरीके के दूसरी जगहों पे जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए क्रमबद्ध तरीके से हम बिजली बंद रखेंगे कि जहाँ सवारी मार्ग पर जहाँ ज़्यादा भीड़ हो, कुल चूँकि ढाई घंटे और तीन घंटे की सवारी होती है तो आधे घंटे 45 मिनट तक बिजली हर क्षेत्र में धीरे धीरे बंद रहेगी जहाँ से भीड़ गुजरती है, क्योंकि आमतौर पर लोग बाहर ही रहते हैं और ऐसी किसी भी दुर्घटना की आशंका को हम खत्म करना चाहते हैं, कभी बिजली के तार की कोई घटना हो, तो ये निर्णय लिया है कि सुरक्षा की दृष्टि से इसको इस बार लागू करेंगे। सर उठ पटांग फैसला लेवा वाला अधिकारी जी उन जहाँ तेजी से काम करना था वहां तो फेल हो गया, मांकाल मंदिर ने चार धाम का बीच की सड़क की हालत देखी लो, बाहर से आया हुआ दर्शनार्थी उन कीचड़ काचड़ से कड़ी तरीका से निकली रहा है, यो देखे भी लो सुने भी लो। हर्षदी का निकलने का कर दिया बाहर, ठंडी वगैरह तो बढ़िया है लेकिन रोड की व्यवस्था भैया खराब है भैया, कीचड़ वीचड़ पड़ा हुआ भैया, आपके पैर में गिट्टी सूख रही है, ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पैर में गिट्टी तो नहीं सूख रही है? सूख रही है। आप ये कीचड़ घांदड़ हो रहा है पूरा? हाँ। शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रही? नहीं उतना तो ध्यान नहीं दे रहे। आओ तुम्हारे एक और सीन दिखाऊं, सवारी सोमवार का चक्कर में अधिकारी योज भूल गया का उज्जैन में मांकाल राजा का अलावा भी दूजा मंदिर हूं, रविवार दोपहर में गढ़कालिका वाला मंदिर को इतनी गणिया फंसी गई कि पैदल निकलवा की भी जगह नहीं बची, सैकड़ों वाहन हजारों लोग उन परेशान होता रहा, अपने एक चालान वीर उनमें से एक भी नीचे नहीं आई रहे थो, ये वीडियो उन्होंने हमारे अर्जुन गुरु ने भेजा है। गढ़कालिका चौराहे की स्थिति, आपका एमपी का पटवारी उन गया दन से भोपाल वाला मामा जी नाराज चली रहा था, इनको कहना पड़ी रही हो कि गया नरा साल से इनको पे ग्रेड नहीं पड़े और प्रमोशन भी नहीं हुआ, मामा जी लाडली बिना उनके मनाई रहा था आई लाडला पटवारी उन नाराज हो गया। अच्छा मामा जी का यो अच्छे से मालूम है, पटवारी मने गांव को राष्ट्रपति, इनके नहीं मनाए तो इतना बड़ा रापट रोलियो कर सके समटाएगा भी नहीं, आने वास्ते गया दन भोपाल बुले के पटवारी संघ वाला प्रतिनिधि उनसे बात करी, रविवार के अपना उज्जैन में आखा एमपी पटवारी संघ वाला प्रतिनिधि उन जुटिया था, सबने आपस में बातचीत करी, सरकार की तरफ से राज्य कर्मचारी संघ का अध्यक्ष रमेश शर्मा जी, मजदूर संघ वाला सुल्तान सिंह जी इना कार्यक्रम में पहुंचा, यहाँ पटवारी साहब उनसे बात करी, भोपाल वाली भाजपा की सरकार की तरफ से कई हाथ तो बंदी है, देखा कई हो के भी नहीं के खाली यूज इनाम गोली।
बहुत ही जल्दी हम लोगों को खुशखबरी मिलने वाली, जो हमारी वेतनमान की जो 2800 की जो मांग है, जो विगत 25 वर्षों से पेंडिंग थी, शायद बाबा महाकाल की नगरी में जो आज हमने यहाँ ये सम्मेलन करा है, हो सकता है कि हम जो आगाज कर रहे हैं वो हमें बाबा महाकाल के इस सावन के इस महीने में हम लोगों को मिल जाए। एमपी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने 12वीं पास छोर-छोरी उन वास्ते सीक्वेंट कमाल योजना निकाली है, पेपर ऊपर उनने इनका बड़ा बड़ा विज्ञापन भी दिया, साफ केणन सुखी रहना अपना कई मिलियो नहीं फोकटी भटे थी अपना से वही भी नहीं। हाँ, युवा मोर्चा वाला मारा भाई हर्षवर्धन ने इनकी टीम जरूर रणी योजना फैला वास्ते ज्यादा से ज्यादा छोर-छोरी उनके को लाभ दिला वास्ते काम करी रहा। योजना कही है इका बारा में हर्षवर्धन जी आपके बताई रहा। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पे प्रत्येक जिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। उसका मुख्य मंतव्य यह था कि जो ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने युवाओं के हेतु में किया है, जो इस रूप में योजना के रूप में आया है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इस योजना के अंतर्गत जो 12वीं पास उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं या 12वीं पास हो चुके हैं वहां से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए 8,500 से 10,000 तक का प्रत्येक माह का स्टाइपेंड सिर्फ अपने योग्यता के विकास के लिए देना तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। रामघाट कड़े नगर निगम वाला भयून सफाई करे नहीं करे, पर छिपरा तैराक दल वाला अपना भयून यहाँ जरूर भिड़िया रहे, जान बचाने में भी जान जोखने में भी। छिपरा तैराक दल ने सांस्कृतिक कल्याण समिति वाला भयून ने सावन सोमवार का दर्शनार्थी उनका आवास पेड़ा रामघाट पर श्रमदान चढ़ाई कर झकाझक कर दियो। संतोष सोलंकी, तेजा कहार, दीपक अशोक, सपना माली, सिमरन, माधव सिंधे, इस सगड़ा भिड़ियान घाट की कंजी वंजी सब साफ कर दी। माँ शिप्रा तैराकल द्वारा आज निशुल्क कई समय से सेवाएं दी जा रही है रामघाट पर, और हमने इसी वर्ष वापस सेवा देने का कार्य चालू किया है और अच्छे तरीके से आज रामघाट पर सफाई अभियान का कार्यक्रम चलाया गया। अभी सावन भादव जो आ रहे हैं जिनको लेकर यहाँ पर अभी पब्लिक आ रही है, और जिस तरीके से किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो जनता को आने और जाने में, उन सुविधाओं को लेकर कोई नदी किनारे कोई दुर्घटना ना हो उसी को लेकर हम तैराक दल द्वारा ध्यान भी रखा जा रहा है, और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो उसी को लेकर रामघाट पर सेवा दी जा रही है। आपने देखा आज का बुलेटिन, बुलेटिन आपके कैसा लगे बता दीजिए जरूर। कल फिर हाजिर होऊंगा आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। मारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत। जय रघुनाथ जी की।